नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर के पास निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर के पास एक ट्रक सड़क के बीच गड्ढे में फंस गई, जिससे सड़क के दोनों छोर पर लंबा जाम लग गया। अमेठी में थाना बाजार शुक्ल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो बदमाशों को ग्राम निवास मदारगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके से पुलिस ने कुल 150 किलोग्राम गौमांस के साथ ही वध करने के उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। अमेठी में थाना अमेठी क्षेत्र के ग्राम सभा शिवचरण मजरे गुंगवाच में सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करके दबंगों ने आसपास के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। अमेठी में थाना अमेठी क्षेत्र के बारामासी बाजार से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दहेज हत्या में वांछित अनिल कुमार मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। अयोध्या में थाना पूरा कलंडर के कोडरी गांव के पास खाद विक्रेता आयुष वर्मा पर दो बदमाशों ने सरेआम फायरिंग कर 2.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दे दिया, जिससे आयुष घायल हो गया। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। बाराबंकी में थाना जैतपुर पुलिस ने अंतरजनपदीय पशु तस्कर और टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल एक बदमाश को धर दबोचा है। वहीं उसके पास से पुलिस ने 1 किलो 260 ग्राम मार्फिन के साथ ही 2 मोबाइल फोन्स भी बरामद किए हैं। चंदौली में कोतवाली चंदौली पुलिस ने बरथा कला के पास मुठभेड़ कर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाशों को धर दबोचा है। वहीं उनके कब्जे से पुलिस ने लूटे गए 2 लाख रुपए कैश के साथ ही पिस्टल भी बरामद की। औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला गोविंद नगर में रहने वाले संतोष ने अपने बेटे पर जमीन की लालच के चलते उन्हें जान से मारने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल भी हो गए हैं। फिलहाल उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रायबरेली में BSS पब्लिक स्कूल के हाई स्कूल के छात्रों को फेल कर दिया गया है, जिससे आक्रोशित छात्र DM कार्यालय पहुंच गए हैं। इस दौरान छात्रों ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ SP ऑफिस समेत जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए जांच की मांग की है। गोंडा में नगर कोतवाली क्षेत्र रानी बाजार में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पा लिया। देवरिया में सदर कोतवाली के ग्राम सभा रघुवापुर में एक महिला लेखपाल के घर को चोरों ने निशाना बना लिया। चोर घर में रखा नकदी रुपए और लाखों के जेवरात चुरा ले गए। फिलहाल पीड़ित महिला लेखपाल ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। लालकुआ में कोतवाली पुलिस ने हल्दूचौड़ में हुई चेन स्नैचिंग की घटना की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने चेन स्नैचिंग की घटना का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर लूटी गई चेन और एक बाइक भी बरामद की है। सिद्धार्थनगर में मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के बहोरवा घाट में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्यारोपित अर्शिफ संतोष और दुर्गा को गुलेरिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया है। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिकरी राजा में खेत में बने गहरे गड्ढे में गिरने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल गड्ढे में पानी भर गया था, जिसमें युवक डूब गया। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है।